ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी है, यानी आज बिहार सरकार की तरफ से नीतीश कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है और शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बड़ा खबर जो है वो बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी है। अब इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, हम उनकी बातों को सुनवाएंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी है। अब उन्हें राज्यकर्मियों का दर्जा मिलने वाला, तो देखिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनकी वेतन में वृद्धि की जाएगी। इतना ही नहीं, जो शिक्षक अभ्यर्थी यानी सीटेट और एसटीईटी वाले जो अभ्यर्थी थे वो जो इतने दिनों से पटना के सड़कों पर लाठी झंडे खा रहे थे, इन सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ी खबर है बिहार सरकार ने दे दी है। कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है और शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। इस पूरे क्रम में आपको बताया बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हैं और जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा जाता है क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बातों के साथ। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना अभी नियुक्ति होगी? वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार के आसपास। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाना ये तुष्टीकरण है? देश में नागरिक विशेष की को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है? देश में आतताइयों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है? मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई, ये कुछ नहीं होना है। खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।